हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ हुई इंडियन गर्ल इन यूरोप और आज फिर से मैं एक और लक्ज़मबर्ग मतलब पार्ट थ्री का वीडियो लाई हूँ पार्ट थ्री ये है कि आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए लग्ज़मबर्ग ना कि आपको करना चाहिए यू एस इन दैट मैटर मे बी स्विट्जरलैंड मे बी जर्मनी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसे आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए पर लगजमबर्ग को कंसीडर करना चाहिए आज मैं उस बारे में बात करूंगी काफी टाइम से मैं इस कंट्री के बारे में रिसर्च कर रही हूं और कुछ जॉब्स मैंने भी अप्लाई करी वैसे आप जो है वो कोर्स देख सकते हो और वो सारे जो भी मैंने उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है कोर्स में जो भी डाला है उसके बेसिस पे ही मैंने जो है जॉब्स अप्लाई करी थी एंड लकीली मुझे कुछ जॉब ऑफर्स आए तो ये काफी अच्छी है सैलरीज काफी अच्छी थी और मैंने बाकी और फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिसर्च करी और मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ जैसे मैंने पहले बोला था अच्छी लाइफ अच्छी सैलरी जॉब सिक्योरिटी पीसफुल लाइफ अच्छा कमाओगे अच्छे से रहोगे ये सारे तो चीज़ें हैं ही हैं जिसमें आपको कंसीडर करना चाहिए वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है तो आपको आपका एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप वहाँ पर रहोगे बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हम एज ए इंडियंस या दूसरी जो कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान हो गया नेपाल हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया या हम इंडियंस हो गए इनके बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे आप इनमें से कोई कंट्री से हो तो कमेंट करो अपनी कंट्री का नाम अब मैंने इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज लेके रखी है एक तो अच्छी सैलरी जो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सैलरी एंड सेविंग्स ऑफ कोर्स अगर आप कहीं पर रहते हो तो सेविंग भी इंपॉर्टेंट होता है द अदर थिंग इज कि आपका टैक्स कितना कट होगा ऑन पेपर आप देखते हो कि हमारी सैलरी एक करोड़ है दो करोड़ है जो बहुत एक्साइटिंग दिखता है जैसे मैं अगर आपको बोलूँ मेरी एक करोड़ की सैलरी है और अगर मैं डिवाइडेड बाय ट्वेल्व करूँ तो आप देखो इतनी सैलरी जो है वो बनेगी और जो कि सही नहीं है क्योंकि इस पे टैक्स बहुत ज्यादा कट होता है और उसके बाद जो सैलरी मिलती है वो काफी कम होती है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज होती है क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या ये जो टैक्स है इस कंट्री में क्या बेनिफिट्स हैं कितना टैक्स पे करना पड़ता है आपने क्या पुराना वीडियो देखा है जिसमें हमने सैलरीज डिस्कस करी है वो जरूर देख लेना क्योंकि उसमें मैंने आपसे नेट सैलरीज जो है वो शेयर करी है मतलब टैक्स कटने के बाद कितनी सैलरी होगी प्लस उसमें मैंने कुछ टैक्स के इन भी आप लोगों को दिए हैं जो कि सेकेंड पार्ट है अब हम सबसे पहले तो आ जाते हैं फिर से सैलरी सैलरी पे एवरेज इस कंट्री की अराउंड है मैं मान लो चलो सेवेंटी एट थाउजेंड यूरो मान लेती हूँ एवरेज सैलरी अगर आप एज ए स्किल प्रोफेशन में यहाँ पर आते हैं तो स्किल प्रोफेशन कौन से होते हैं अनस्किल्ड प्रोफेशन कौन से होते हैं उसके लिए भी आप दूसरा पीट देख सकते। अब अगर आपकी सैलरी सैलरी 78,000 यूरोस पर ईयर है, है जो कि एवरेज की, अगर आप इस टैक्स कैलकुलेटर में देखोगे और अगर आप एज ए सिंगल हो सिंगल मतलब आपकी शादी नहीं हुई है आपके बच्चे नहीं है आप सिर्फ एक सिंगल अर्निंग हो और आप इस कंट्री में रह रहे हो तो आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी सेवेंटी 8000 यूरोस पर ईयर एर में अराउंड 4483 यूरोस आप इस टैक्स कैलकुलेटर में ये भी देख सकते हैं कि कितना परसेंट आपका जो है वो डिडक्शन होगा टैक्स का और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपका जीरो परसेंट टैक्स डिडक्शन होता है अगर आप 12000 यूरोस के लगभग कमाते हैं तो आपका कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता इसके बाद आठ से फोर्टी टू परसेंट उन लोगों का टैक्स डिडक्शन होता है जो कमाते हैं ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी थ्री से टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू जीरो के यूरोस पर ईयर जो कमाते हैं जो काफी ज्यादा सैलरी है तो फोर्टी टू परसेंट से ज्यादा वो लोगों की वो लोगों का टैक्स कटता है जो टू ट्वेंटी के थाउजेंड यूरो से ज़्यादा यहाँ पर कमाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है मैं यहाँ पर आप लोगों से एक जर्मनी के टैक्स कैलकुलेटर के साथ भी कंपेयर करूँगी ताकि आपको और इजिली समझ में आए कि यहाँ पर टैक्स के कितने बेनिफिट्स हैं इस कंट्री में अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप सेवेंटी एट थाउजेंड यूरोज पर ईयर यहाँ पर कमा रहे हैं तो आपको फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड यूरो पर मंथ सैलरी आएगी वही अगर हम बात करें कि आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो आपको उस में 5659 यूरोस पर मंथ सैलरी आएगी जो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सैलरी है वेल well, ये जो टैक्स कैलकुलेटर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब मैं सेम चीज जर्मनी से कंपेयर करती हूँ जर्मनी भी एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है अगर आपको मूव करना है तो अब अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी में काफी ज्यादा टैक्स कट होता है और एवरेज सैलरीज भी जो है वो लग्जमबर्ग से कम है अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप सिंगल है यहाँ पर सिंगल लोगों की सबसे ज्यादा सैलरी कट होता है या डिडक्शन होता है अगर आप सिंगल हैं और आपकी सेम सैलरी है दैट इज 78000 यूरोस पर ईयर तो आपको जो है पर मंथ सिर्फ 3942 यूरोस पर मंथ मिलेगा जो काफी कम है कंपेयर टू अगर आप लक्जमबर्ग को देखो वेयर एज़ अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो आपको मिलेगा 4800 यूरोस के लगभग व्हिच इज आल्सो वेरी लेस देन टू दिस

डिडक्शन होता है वेर एज लग्जमबर्ग में ऐसा कुछ नहीं है सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा मुझे कि सिंगल पर्सन का जो टैक्स डिडक्शन है वो अराउंड 62 परसेंट हो रहा है इस सैलरी पे जो काफी ज्यादा है अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वो है जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होता है और अगर आप यहाँ पर लग्ज़मबर्ग में कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं कुछ टाइम के लिए लाइक वन ईयर टू ईयर तो आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है दैट मींस कि अगर आप फॉर एनी रीज़न जॉब जो है वो लूज़ कर लो तो उसके बाद आपको कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कुछ टाइम के लिए विच कैन बी फ्रॉम सिक्सटी परसेंट टू एटी टू नाइनटी ऑफ़ योर सैलरी उतना आपको मिलेगा जिससे आप आराम से उस पैसों से जॉब सर्च कर सकते हो अपने स्किल सेट इंक्रीज कर सकते हो बाकी चीजें कर सकते हो जो कि जर्मनी में भी पॉसिबल है बट लग्जमबर्ग में भी दिस जॉब सिक्योरिटी हैज अ एडवांटेज इसलिए आपको कंसीडर करना चाहिए इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करने के लिए कि आपको राइट टाइम पे राइट मूव लेना इंपॉर्टेंट होता है और अभी के टाइम पे और फ्यूचरिस्टिक भी जो है वो बहु, बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि लग्जम के पास आने वाले टाइम पे काफी सारी जॉब वैकेंसीज होंगी जो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी राइट right नाउ जो करंट सिचुएशन है लोग जो है वो रिटायरमेंट एज पे हैं और उनकी जो वैकेंसीज जो हैं वो जो भी एम होगी उसके लिए वहाँ पर लोग नहीं हैं क्योंकि लोग जो हैं वो दूसरे प्रोफेशंस को चूज़ कर रहे हैं लाइक like, जो यंग लोग हैं वो डिफरेंट प्रोफेशंस को चूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आने वाली है टू तक अब हम एक और बात कर लेते हैं अनस्किल कैटेगरी की इंडिया से बांग्लादेश से पाकिस्तान से बाकी सारी जो एशियन कंट्रीज से उससे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ स्किल प्रोफेशन के लिए नहीं आते हैं बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाने जाते हैं फॉर अनस्किल प्रोफेशन ऑल्सो जैसे हो गई आपकी नैनी या डोमेस्टिक हेल्प कोई भी हो गई तो वो जो है वो अनस्किल कैटेगरी में आती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई डिलीवरी बॉय या डिलीवरी ड्राइवर की जॉब हो गई गार्डनर सेल्स पर्सन की क्लीनिंग फैक्ट्री की बात हो गई या फिर वेयर हाउसिंग की बात हो गई कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात हो गई इन सब में जो है ये अनस्किल कैटेगरी होती है और अनस्किल कैटेगरी की भी जो एवरेज सैलरी है वो काफी अच्छी है अराउंड 2500 थाउजेंड यूरोज पर मंथ अगर आप इन पर्टिकुलर प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो भी आपके दरवाज़े जो हैं वो आने वाले टाइम पे या अभी के टाइम पे ओपन होंगे मे भी एक जगह आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है वो है लैंग्वेज लेकिन अगर आप लक्जम्बरिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है प्लस जर्मन भी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपके रास्ते जो हैं वो थोड़े से इजी हो जाएंगे क्योंकि ये जो प्रोफेशंस मैंने सारे बोले इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज आए वेर एज अगर हम स्किल कैटेगरी की बात करें तो इंग्लिश के बेसिस पर ही आपको जॉब्स मिल सकती हैं इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें या फिर हम मेडिकल फील्ड की बात करें और बैंकिंग एंड फिनेंस में तो ये वन ऑफ द बेस्ट 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 कंट्री है क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत सारी जॉब्स हैं अनलिमिटेड जॉब्स पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक सिटी में जो कि काफ़ी छोटी सिटी है उसी में हंड्रेड से भी ज़्यादा बैंक हैं तो आप समझ लो कि बैंक्स में कितनी जॉब्स होती हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी जॉब्स होंगी तो अभी तक हमने यही बात करी कि सैलरी काफ़ी अच्छी है और कोर्स यूरोप का पार्ट है मैंने बोला नहीं बट ये जो है वो हमें पता है यूरोप का पार्ट है तो अच्छी चीज़ है एंड टैक्सेस कम कट होते हैं तो आपको इन हैंड जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी और मैंने क्योंकि जर्मनी से भी कंपेयर किया तो आपको एक इंसाइड मिला होगा कि यहाँ हम लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो एट द एंड हमको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता ऑल जो आपको नंबर्स दिखेंगे या फिर हमारा जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर काफी सारे बड़े बड़े नंबर होते हैं पर जब हमारे पास सैलरी होती है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जो ऑफकोर्स मुझे भी हुआ था जब मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर जर्मनी की सैलरी आई थी तो आई वॉज लाइक इन अ शॉक क्योंकि इंडिया में भी इतना ज्यादा टैक्स नहीं कटता तो मैं शॉक हो गई थी कि बाप रे इतना ज्यादा टैक्स कट रहा है यहाँ पर एक और चीज जिसके लिए आपको ये कंसिडर करना चाहिए लगजमबर्ग वो है एक्सपैट्स पॉपुलेशन ऑफ कोर्स जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोकल लोगों के साथ ही घुलते मिलते हैं लक्जमबर्ग में लेकिन क्योंकि 42% टू परसेंट एक्सपैक्स पॉपुलेशन है वहाँ पर तो आपको आपके टाइप के लोग मिल जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा डेवलप होना प्लस एक और चीज़ होती है यहाँ की जो पी आर प्रोसेस होती है और सिटीजनशिप प्रोसेस होती है मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत डिफिकल्ट होती है यहाँ पर जैसे और दूसरी डिफरेंट कंट्रीज में होती है बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको लग्जम जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए उसके बाद ही आपको जो है वो पी और सिटीजनशिप मिलेगा तो हम अगर टाइमलाइन की बात करें तो अगर आप लग्जमबर्ग में कंटिन्यूसली पाँच साल तक रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आप एलिजिबल हो गए के लिए लग्जमबर्ग की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए तो अगर हम दूसरी बात करें कि आपको कैसे सिटीजनशिप यहाँ पर मिलनी है तो सिटीजनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें आपको पास होना होता है एंड वो भी बहुत ही हाई लेवल का एंड सेकेंड चीज़ इज़ वहाँ का कस्टम और कल्चर जो होता है उसका टेस्ट होता है वो भी आपको क्लियर करना होता है कि वहाँ के कल्चर क्या हैं कस्टम्स क्या हैं वो सब आपको जानना होता है और उसका एक टेस्ट होता है सो मे बी इट्स लेबंस इन लगजमबर्ग करके होगा तो वो आपको देना होता है अगर आप दोनों में पास हो जाते हो और अगर आप पाँच साल तक रह रहे हो वहाँ पर तो आपको आप एलिजिबल हो गए की सिटीजनशिप के लिए तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला अनस्किल्ड प्रोफेशन के लिए अगर आप आओगे तो ऑलरेडी आप जो है वो लैंग्वेज सीख के आओगे इन दैट केस आपका ईजी होगा कि अगर आप पाँच साल तक रह लेते हैं तो आपके लिए ईजी होगा यहाँ पर सेटल होना अदर देन दैट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं किस चीज के लिए कंसिडर करूंगी इस कंट्री को रहने के लिए तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट है अदर देन दैट हार्ट ऑफ यूरोप में सिचुएटेड है तो मेरे को घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी प्लस टैक्स बेनिफिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स सैलरी हाई सैलरी एंड ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हो सकता है कि आगे की मेरी लाइफ जो है वो ईजी होगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जो है वो स्विच करूँगी पैसे बढ़ेंगे पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑफ़कोर्स मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे और उससे आई विल बी हैप्पी एट द एंड सो हैप्पी एट द एंड इम्पॉर्टेंट है और उसी के लिए आपको ये जो कंट्री है लक्ज़मबर्ग उसको कंसिडर करना चाहिए वेयर एज हमारा जो जॉब से रिलेटेड एक कोर्स है अगर आपको हेल्प चाहिए कि आपको कैसे जॉब्स अप्लाई करनी है तो आप वो जो है वो देख सकते हो अदर देन दैट कुछ वीडियोस भी हैं जो फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब के वो देख सकते हो जिससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको जॉब्स अप्लाई करना है लग्ज़मबर्ग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वेयर एज़ एक और मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं यही बताऊँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो अप्लाई जॉब्स इन जर्मनी बट कितने लोग इंटरेस्टेड है, उस वीडियो के लिए वो कमेंट करो ताकि अगर हंड्रेड से भी ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है वो मैं आपके लिए वो फ्री वीडियो जो है वो लेके आऊंगी तो गाइज ये थे मेरे इनटेक्स या मेरी इंसाइट्स अबाउट हाउ वाई यू शुड कंसिडर लग्जमबर्ग अगर आपको मूव करना है किसी कंट्री में जॉब पोर्टल कौन सा है जहाँ पर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है सैलरीज इन लग्ज़मबर्ग ओवर व्यू ऑफ लगजमबर्ग हाउ टू अप्लाई जॉब्स इन लग्ज़म्बर्ग वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर हैं तो वो देख लो इवन एक लक्ज़मबर्ग वर्सेज जर्मनी का कंपेरिजन है वो भी देख लो क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ मैं लक्ज़मबर्ग घूमती फिरती हूँ तो मुझे पता है क्या वहाँ पर अच्छा है और क्या जर्मनी में अच्छा है तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना बाकी आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो एंड अफकोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ कैसी लग रही है वो कमेंट करना और अगर लग्जमबर्ग के अलावा अगर आपको कोई कंट्री में इंटरेस्टेड है लाइक like आप इंटरेस्टेड हो यूरोपियन कंट्रीज में तो उस कंट्री का नाम ज़रूर कमेंट करना टिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में